हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और दिल को दहलाने वाली हॉरर स्टोरी, होली खेलना मना है। शिखा बहुत ही एक्साइटेड थी। अपनी नानी के गांव आकर उसको सब हाथों हाथ जो रख रहे थे, उसका पूरा प्लान था कि वह होली अपनी नानी के साथ ही मनाएगी। जब वो अपना सूटकेस खोल रही थी, तभी उसका छोटा भाई मोनू आ गया। उसने होली के रंग उसके सूटकेस में देख लिए। वो बोला, ये लाल पीले रंग किस लिए दीदी? वो बोली, अरे बुद्धू, होली जो आ रही है ना, सब मिलकर होली खेलेंगे। मोनू बोला, पर दीदी यहाँ तो कोई होली खेलता ही नहीं। शिखा बोली, नहीं खेलता तो फिर सबको रंगों में सरोवर करना हमारी ड्यूटी है। मोनू बोला, ओके दी। फिर वो बोली, तो फिर ये सीक्रेट हम दोनों के बीच डन रहा कि हम सबको मिलकर रंग देंगे, पर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मोनू भी खुश हो गया। होली की सुबह आ गई। शिखा तैयार होकर नीचे आई। वह धीरे से अपनी नानी के पास गई और उनके चेहरे पर गुलाल रंग दिया और बोली, हैप्पी होली नानी। ये देखकर पूरा परिवार तो सकते में ही आ गया। नानी गुस्से में बोली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? शिखा बोली, क्या हुआ नानी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? नानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। शिखा बहुत ही डर गई। उसके मामा बोले, इसमें इसका क्या कसूर? किसी ने इसे बताया ही नहीं कि इस गांव में होली खेलना सख्त मना है। शिखा बोली, क्यों, होली खेलना क्यों मना है? नानी बोली, क्योंकि वो आ जाती है। शिखा बोली, कौन वो, मुझे कोई बताएगा भी? नानी बोली, उसके आने का मतलब मौत का आना है। सालों पहले की बात है, संतों नई नवेली दुल्हन बनकर गांव में आई थी। उसकी छवि ही निराली थी। दूध या रंगत, गहरी काली कजरारी आंखें, चौड़ा भाल, उसमें जग जग जगमगाती लाल रंग की सुंदर सी बिंदिया, सारा गांव उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकता। उसका पति हरिया उसके प्रेम में दीवाना था, पर गांव के कुछ आवारा दबंग लोगों की नज़र में संतु की खूबसूरती आ चुकी थी। एक दिन जब होली आई तो वो लोग जबरन संतु के घर में घुस गए और ज़बरदस्ती उसे रंग लगाने लगे। संतु ने इसका घोर विरोध किया तो उन्होंने संतु का रेप भी किया। हरिया एक सीधा साधा गरीब किसान था। उसने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे खूब मारा और अधमरा कर उसे गांव के बाहर फेंक दिया। कोई गांव वाला भी उनकी मदद को नहीं आया। अपनी आबरू लूट जाने के बाद संतु ने उसी दिन होली में आत्महत्या कर ली। उसके बाद हर होली में संतु की आत्मा भटकती है। उसकी आत्मा ने जिन लोगों ने उसका रेप किया था उनको मौत के घाट उतारा, फिर भी वह अभी भी पूरे गांव से नाराज है, क्योंकि कोई भी गांव वाला उसकी मदद को नहीं आया। इसलिए होली वाले दिन जो भी होली खेलता है संतु उसको मार देती है। इसलिए इस गांव में होली खेलना सख्त मना है और तूने रंग लगाकर पूरे परिवार की मौत को दावत दे दी है। तभी अचानक से जोर जोर से हवा बहने लगी। रंगों का एक बवंडर उड़कर वहां आया, जिसमें संतु का साया दिखाई दिया। वो गुर्रा कर बोली, आज किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है? तभी नानी बीच में आकर बोली, मेरे से गलती हुई है संतु, तो मुझे मार दे, किसी को मत मार, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। संतु गुर्रा कर बोली, बुढ़िया, आई हूँ तो तेरे पूरे परिवार को साथ लेकर जाऊंगी। और संतु ने नानी की गर्दन को पकड़ लिया। शिखा जोर से चिल्लाई, छोड़ दो मेरी नानी को, जो भी गलती हुई है मेरे से हुई है, मुझे मार डालो पर मेरी नानी को छोड़ दो। संतु नानी को छोड़ शिखा की ओर बढ़ी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, संतु छोड़ दो उन सबको। संतु पलटी तो देखा हरिया खड़ा था। उसके बाल बड़े बड़े हो गए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। संतु उसे देखकर भावुक हो गई, बोली, आप जिंदा है? वो बोला, हाँ संतु, मैं जंगल जंगल गांव गांव भटकता रहा। मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, किंतु एक दिन एक वैद्य ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक होकर वापस आया तो पता चला तुमने आत्महत्या कर ली है और तुमने उन पापियों को भी मौत के घाट उतार कर अपना बदला पूरा कर लिया है। पर अब और नहीं संतु,
तुम इन गांव वालों को माफ कर दो। हमारे साथ जो हुआ इसमें इनका क्या दोष, और ये बच्ची तो इस गांव की भी नहीं है। छोड़ दो सबको। अपने पति हरिया की बात मानकर संतु ने सबको छोड़ दिया। हरिया ने विधि विधान से संतु का पिंडदान किया। इस प्रकार संतु की आत्मा को शांति मिली। इसी प्रकार और भी हॉन्टेड स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।